सोनभद्र में कुल्हाड़ी से मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। सोनभद्र के ओबराग बागा नाला के पास सड़क दुर्घटना, दंपति मौत के मामले में भयावह रूप से धारण कर लिया। गुरुवार को ग्राम पंचायत पनारी के दुर्गम खारण मृतकों के अंतिम संस्कार के दौरान सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के छोटे भाई फूल सिंह ने अपनी चाची का सिर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सिर को ले जाकर एक पेड़ को चढ़ा दिया और फरार हो गया। घटना तब हुई जब पुरुष परिजन और गांव वाले शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि चाची के परिवार से घरेलू विवाद चल रहा था। बुधवार को आरोपी भाई की मौत के बाद से ही तनाव था। गुरुवार दोपहर को जैसे ही लोग अंतिम संस्कार के लिए निकले, वैसे ही मौका देखकर उसने तेजधार हथियार से चाची कौशल्य पर तब तक वार करता रहा जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। कैसे कैसे दो भाई हमारे डेट हो गए, इसीलिए भाई हमने डाली देवास में गया था, वो लोग बता दिए कैसे कैसे कारण किए हैं, उसी हिसाब से हम किए हैं जो हमारा बना था। कितनी चीज से मरला आज कितनी चीज से का चीज से कटलो टंगारी स्टार्ट है, टंगारी बैठ टूट गया था, फिर बलुआ निकाले तो बलुआ था कई धार किले हुआ। अब हम धार और नहीं गिने हैं, मैंने कई बार वार किले हुआ, आज दिन में 1 बजे के करीब जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि पनारी गांव में एक महिला उम्र करीब 45 वर्ष कौशल्या वाइफ ऑफ शिव मंगल की उसके भतीजे फूल सिंह सनाब गोपी गौड़ ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। हम लोग मौके पर गए और मौके पर शव को कब्जे में लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या लगा सर इसके पीछे वजह क्या रही हत्या की? अभी तक जो पूछताछ में आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि अभियुक्त के भाई का कल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके भाई और भाभी दोनों खत्म हो गए थे और अभियुक्त के द्वारा ये शक किया जा रहा है कि ये सब उसकी चाची के वजह से हो रहा है। सर मौके पे क्या प्राप्त हुई है? कानपुर में ITMS के अंतर्गत ट्रैफिक को संचालित किया जा रहा है। इंदौर के बाद